प्रांत के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अखिल भारत स्वीकारित अभिमत है कि विश्व कल्याण कर उदात्त लक्ष्य को मर्त रूप प्रदान करते हुए भारत के सुदीर्घ यात्रा हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रही है। विदेशी आक्रमणों तथा संघर्ष के काल में भारतीय जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंची। इस कालखंड में पूज्य संतों व महापुरुषों के नेतृत्व में संपूर्ण समाज ने सतत संघर्षरत रहते हुए अपने स्वर्ग की सहभागिता रही। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र ने इस संघर्ष में योगदान देने वाले जननायकों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा मनीषियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए गोरख प्रांत के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा। नाम पृथ्वीराज सिंह है, प्रांत संचालक गोरख प्रांत। देखिए, सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली इकाई प्रतिनिधि सभा है, वो 12, 13, 14 मार्च को पानीपत के समलखा स्थान पर एक हम लोग एकत्रित हुए थे। लगभग 1200-1500 प्रतिनिधि वहाँ पर एकत्रित हुए थे। वहाँ पर बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। उस निर्णयों को हम स्वयंसेवकों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और आप लोग एक बड़े माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमारी बात जन समाज तक, स्वयंसेवकों तक पहुँच सकती है। इसके लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसकी प्रति आपको दी गई है। दूसरा यह है कि गुणवत्ता के संदर्भ में, संख्या विस्तार के संदर्भ में जो हमारा वृत्त है उसकी जानकारी दी गई है। लगभग 68, पहले 60,000 शाखाएँ हमारी लगती थी, 68,000 शाखाएँ लगती हैं पूरे देश में, और इसकी जानकारी हम सभी आप लोगों को देना चाहते हैं कि 2025 में हम लोग शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, जिसमें संघ सेवक पूरी शक्ति से इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए एकत्रित होने का प्रयास करेंगे।